हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई क्या होता है? मेनली इसमें हम देखते हैं बोथ मास का फॉर्मूला लगता है। बोथ मास तो हम ए फोर क्या होता है, बी फोर क्या होता है, सॉरी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो हमारे पास इसमें है नहीं। ठीक है, ऑफ फोर क्या होता है, ऑफ फोर क्या होता है, ऑफ, तो ऑफ भी इसमें नहीं, ऑफ मीन भी मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, किस केस में टू और ब्रेकेट के अंदर ए फोर, तो इस ढंग से ये होता है। डी फोर क्या होता है, डिविजन। ठीक है, डिवीजन तो बिल्कुल डिवीजन हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या ब्रैकेट्स है, हमें पहले सबसे पहले बी फोर ब्रेकेट और एम फोर मल्टीप्लाई हो, एड फोर एडिशन और एस फोर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या है, 9 डिवाइडेड बाय ब्रेकेट है, स्मॉल ब्रेकेट है, 15 माइनस 7 माइनस 5 ब्रेकेट बंद और 6। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना, ब्रेकेट, तो 9 डिवाइडेड बाय तो सेम रहेगा, तो ब्रेकेट अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। 7 और 5 कितना हो जाता है, 12 प्लस 6। अभी ब्रेकेट सॉल्व नहीं हुआ तो हम ब्रेकेट सॉल्व करेंगे 15 में से, तो आप ब्रेकेट खुल जाएगा और हमारा कितना आ गया 3, 15 में से 12 जाएगा 3 प्लस 6। अब हमें क्या करना होता है, डिवाइड, ऑफ तो इसमें हो नहीं, ऑफ का मतलब ये जो सीधे सीधे ब्रेकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, ऑफ है, होनी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से 9। ठीक है, 3 का अगर 9 करेंगे, 3 4 3 3 9, तो कितना आएगा 3 और प्लस 6। अब इनको प्लस कर दो, 3 और 6 कितना होता है, फिर 9 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9। तो इस ढंग से हम इसको इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।